अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबनम, सबनम किचन रूटीन से आप सबका मेरे किचन में स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं बनाऊंगी रुई के जैसे सॉफ्ट और टेस्टी भटूरे, जिसके लिए मैंने ली है 2 कप मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, पहले मैंने 1 चम्मच ली थी और ये 1/2 चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब इन सबको अच्छे से मैदा में मिक्स कर लूंगी और साथ में ऐड करूंगी 1/4 चम्मच नमक, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब इसके लिए एक पेस्ट तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप दही, जो करीब 150 ग्राम है। दही अगर खट्टी वाली होगी तो भटूरे और अच्छे बनते हैं, कोशिश करें आप खट्टी वाली दही लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप दूध, जो हल्का गर्म है, और साथ में ऐड करूंगी 2.5 चम्मच चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें, आप 1 या 1.5 चम्मच भी डाल लें। मेरे बच्चों को थोड़े भटूरे मीठे पसंद है, इसलिए मैं 2.5 चम्मच ले रही हूँ। अब चीनी को भी इसमें अच्छे से फेंट ले रही हूँ ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। अब इसमें मैं 1 इनो पैकेट ऐड करूँगी, मैंने ऑरेंज फ्लेवर ली है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले लें। इनो आप ज़रूर डालें, इससे भटूरे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत देर तक सॉफ्ट बने भी रहते हैं। इनो को भी मैं इसमें अच्छे से फेंट ले रही हूँ। अब ये पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब इस पेस्ट को मैं मैदा में थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करते जाऊँगी। एक बार पूरा नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। अब मैं पूरा पेस्ट इसमें ले रही हूँ और हाथों की मदद से बेहद नरम आटा तैयार कर लूँगी। अगर पेस्ट थोड़ा कम पड़ जाए तो हल्का गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा डालते हुए बेहद ही नरम आटा तैयार कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, इसे भी मैं ऐसे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप रोटी के लिए जो नॉर्मल आटा तैयार करते हैं उससे थोड़ी नरम ही बनानी है। अब इसे करीब मैं 1 घंटे के लिए ढक्कन रख दूँगी। 1 घंटे बाद देखिए आटा कितना बिल्कुल नरम बना है, बिल्कुल भटूरे के लिए परफेक्ट है। अब इससे एक लोई लें, पूरी के लिए जितनी आप लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लें और इसका एक पेड़ा बना लें और इसे पूरी की तरह गोल बेल लें, लेकिन पूरी से थोड़ी बड़ी बेलें, भटूरे थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। देखिए इसे बेलने में कोई मुश्किल नहीं हो रही, इसका कारण यही है कि आटा बेहद नरम तैयार की थी मैंने। मैंने गैस पे मीडियम फ्लेम पे एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी थी, जो कि गर्म हो चुकी है, और इसे इसमें आराम से भटूरे को डालें और देखिए छन्नी की मदद से प्रेस करते हुए भटूरे कितने आराम से फूल गए हैं, ये अच्छे भटूरे की पहचान है। अब दूसरी साइड भी लाइट ब्राउन होने तक तल लें और इसे निकाल लें। बाकी भटूरे भी इसी तरह तैयार कर लें। देखिए रुई के जैसे बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से जालीदार और खाने में बेहद ही टेस्टी, बिल्कुल होटल जैसे। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने अंदर से जालीदार और सॉफ्ट बने हैं। देखिए कितने जालीदार हैं, और इसे गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।